और दोनों प्रोजेक्ट्स में उनके जो रोल हैं वो कम्पलीटली कम्प्लीटली तो नहीं मुख्तलिफ हैं एक ड्रामे के वो राइटर हैं एक ड्रामे के वो डायरेक्टर हैं एक ड्रामा उनका काफ़ी स्क्रीन पे है बल्कि इतने अरसे से स्क्रीन पे है कि बहुत सारे लोग अब ये सवाल उठाना शुरू हो गए भाई ये स्क्रीन से जाएगा कब ये ख़त्म कब होगा तो इन उस ड्रामे में हम बहुत खुल के और बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं उस ड्रामे से जुड़े हुए और उस ड्रामे के जो लेखक हैं तहरीर जो की है तहरीर करता या जिसको राइटर आम जबान में हम कहते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और दूसरा ड्रामा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ रमज़ान ड्रामों की जो एक, एक मेला है उसमें एक नया एडिशन है पिछले हफ्ते वो ड्रामा शुरू हुआ और एक ख़ास बात उस ड्रामे की है कि उसकी रोज़ किस्त नहीं आती हफ्ते में दो बार वो ड्रामा आता है लेकिन जिस ड्रामे को उसने रिप्लेस किया उस वजह से वो भी एक कॉन्वर्सेशन <laughs> का टॉपिक बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। of course, I am talking about A, इश्क जिसके जिसके राइटर मेरे मेरे साथ साथ मौजूद मौजूद हैं हैं। हैं। डायरेक्टर तो आपकी मुलाकात कराते आए अब्दुल खालिक खान साहब से कैसे हसन, मैं ठीक हूँ आप कैसे अच्छा, आप के इंटरव्यू में एक चीज अगर आप इजाजत दें दे तो क्लैरिफाई कर दू यूजली जो ड्रामा राइटर्स होते हैं उनका इंटरव्यू हम ड्रामा खत्म होने के बाद करते हैं मुझे लगता है यू नो दैट इज बेटर फॉर एवरी वन इन्वॉल्व क्योंकि ऑन द स्पॉट जब आप किसी राइटर को डाल देते हैं ड्रामा खत्म होने से पहले तो वो ये कहते हैं यार आगे तो देखें अभी होगा क्या सही है तो इश्क मुर्शिद केस में ऐसा हो रहा है कि आगे देखने का म... मतलब आगे ही हम देखे जा रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि वो खत्म होगा तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो हमारी बैठक है ये हम कर लें क्योंकि ड्रामा तो पता नहीं कब खत्म होगा नहीं ड्रामा अभी, अभी तो या एपिसोड पे खत्म हो जाएगा अभी जाएगा और यानी कि पांच अट्ठाईस किस्तें तो होती हैं तो इसकी क्या वजह थी कि आपने सोचा कि ड्रामा खत्म होने से पहले गुफ्तू कर लेते हैं तो उसकी रीजन ये थी आने वाले एपिसोड्स की वजह से कोई ऐसा तो नहीं बिल्कुल आपको कोई टेंशन तो नहीं नहीं भी नहीं आपने कहा पहले ही बात कर लें आगे पता नहीं क्या, नहीं, नहीं, क्या? One of the main reasons तो यही था कि जैसे हमारी जब फोन पे बात नहीं, हुई मैंने आप एक बात थी आपने तो आप you. आप okay. रीच आउट किया और आपने आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए इट इज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स मुझे तो वैसे ही बड़ा शौक है समझने का हमारी इंडस्ट्री चलती कैसे आपके अगर हम इश्क मुर्शिद पे भी आते हैं और रफ्ता रफ्ता पे भी, भी आते हैं बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, आपने अपने करियर में तीन ही ड्रामे लिखे हैं तीन ही छह लिखे हैं लेकिन मैंने बहुत गैप के साथ लिखे हैं लाइक जो मेरा पहला सीरियल था वो समी खान ने जिस सीरियल से डेब्यू किया था बैक इन टू थाउजेंड एंड फोर दिल से दिल तक जो कि पीटीवी पे ऑनियर हुआ था और समी का वो पहला सीरियल माशाल्लाह 20 साल हो गए हाँ 20 साल हाँ हाँ 2004 हाँ उसके बाद तीन चार साल का गैप था फिर फिर आपने लिखा 2013 काफी 2013 में लिखा था और फिर जॉब पे रहा अच्छा सिक्स सिग्मा हेड ऑफ कंटेंट हम टीवी हेड ऑफ कंटेंट हम टीवी भी एंड सिग्मा भी

फिर पोस्ट कोविड हाँ 2022 अच्छा अब इनमें आपने कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे कुछ आपने डायरेक्ट किए तो करियर के शुरू पे क्या आपका फोकस दोनों की तरफ था या यू वांटेड टू बी अ राइटर डायरेक्शन हो गई बाय चांस या दोनों का शौक था वो क्या डिसीजन था डायरेक्शन बाय चांस हुई है अच्छा हाँ लिखने का और प्रोडक्शन का शौक मुझे हमायू भाई के साथ जब सिग्मा मैंने ज्वाइन किया था और जब काफिर लिख रहा था उसी के साथ छः सात और ड्रामे हम लोगों ने बनाए थे जिसमें से एक था काश में तेरी बेटी ना होती उसको मैंने क्रिएटिवली राइटिंग स्टोरी स्ट्रक्चर उसका सारा बिल्डअप करना तो वहां से फिर प्रोडक्शन का भी थोड़ा सा शौक रहा बट ड्रामा जो आपने डायरेक्ट किया वो रफ्तार -रफ्ता रफ्ता 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 हाँ। ली ये क्या फैसला था कि फिल्म पहले आपने अच्छा फिल्म... ड्रामों आने अच्छा, तो की कोशिश करते रहते थे और हर आर्टिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं सिनेमा किसी कोने खुदरे में बैठा हुआ होता है तो हम भी उसी रो में चल पड़े और फिरोज खान और सजल को लॉन्च किया था जिंदगी कितनी है में

क्योंकि उसका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो किसी को समझ भी नहीं आ सकता। kind of देखी जाए। तो उस एस्पेक्ट से हर आदमी ने कोशिश की अपने अपने हिस्से उन्होंने सिनेमा प्रोड्यूस करने की, की है कोशिश तो तो की आप इतना कम क्यों लिखते हैं बीस साल के करियर में अगर छह ड्रामे आपने लिखे हैं तो इसकी क्या कोई खास वजह

कुछ कहानियां होती हैं और वो बड़ी मखसूस कहानियां होती है जो राइटर से कहती है कि आकर मुझे लिखो लिखो और मेरी दुनिया को आप क्रिएट करो तो वो कम होता है क्योंकि लिखना मेरे लिए प्रायोरिटी पे पैसे के लिए नहीं है पैसा कहीं बैकग्राउंड पे चला जाता है फोरग्राउंड में उन कैरेक्टर्स का जो निचोड़ है या उन कैरेक्टर्स की जो ड्राइव है है वो मुझे लिखवाने पे मजबूर करती है। उससे रिलेटेड क्योंकि जब मोहब्बत आया था तो एक बहुत बात ये हुई थी कि ये तो बिल्कुल जुदाई फिल्म की कॉपी है तो वो जो इंस्पिरेशन आपको आई थी वो कैसे आई थी और आपने क्यों कर सोचा कि उसको करना है। मुझे पता है कि पाकिस्तान में भी एक फिल्म बन चुकी थी जुदाई से पहले ऐसा ही और वो उन्हीं साउथ इंडिया में भी बनी साउथ इंडिया में भी बनी हाँ। है तो ऐसा नहीं है कि जुदाई कोई पहली ऐसी फिल्म थी ऐसा ही है जो उस मौजू के ऊपर बनी थी तो बहुत सारे लोग तो बल्कि कहते हैं कि जुदाई जो थी वो पाकिस्तानी फिल्म का बिल्कुल कॉपी थी तो आपको वो इंस्पिरेशन जो आई वो कहानी बताने की जो ऑलरेडी दो तीन बार जैसे अगर साउथ इंडिया में भी बताया बताया बताई गई थी ऑलरेडी तो उसकी क्या वजह थी कि आपने सोचा कि आई वांट टू रीटेल दिस स्टोरी अच्छा श्रीदेवी हमेशा से मेरी फेवरेट रही है अच्छा और आई थिंक वो हमेशा से फेवरेट मेरी रहेंगी वो तो सब सब किसकी नहीं है दूसरा मेन रीजन ये था कि चूंकि सिनेमा को मैं समझता हूं टेलीविजन की वो मां है यानी जो टेलीविजन पे चलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिनेमा का बाय प्रोडक्ट होते हैं अगर आप हॉलीवुड भी चले जाएं, तो बड़ी बड़ी फिल्में जहां पे जब उनकी टेलीविजन सीरीज चली हैं तो उनसे पीछे वो सिनेमा के साथ रिलेटेड रहे हैं तो जुदाई वाज अ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट और एक शेख साहब की फिल्म फिल्म थी मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं उस फिल्म का नाम कि एक औरत है और वो अपने हस्बैंड को अपनी खुशियों या अपनी जरूरतों या अपनी ख्वाहिशों के लिए बेच देती है सो दैट वॉज अ लाइन अच्छा देखा जाए जब उस पर इतनी ज्यादा तनकीद भी की गई मैं ये समझता हूं कि हार्डली फिल्म का कंटेंट होगा 120 मिनट का जी। और वो सीएल चला था 33 एपिसोड्स मुझे लगता है और उसके बाद मैंने फिर फिल्म पे ड्रामा नहीं किया उसका रीजन ये था वो बहुत मुश्किल है 120 मिनट को जब आप 33 34 एपिसोड्स में जब आप ट्रांसलेट करते हेल ऑफ एनर्जी बहुत एनर्जी कंजम्पशन होती है सो so, यही मेरा सवाल है कि एक कहानी जो फिल्म की सूरत में बता दी गई वट कम्पेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ टीवी ड्रामा कि यार के एक डेढ़ घंटे में बता दी और इफेक्टिवली बता दी गई दो तीन बार बता दी गई और बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको देखा भी hmm. शायद इंजॉय भी किया एंटरटेन भी हुए पसंद भी आई लोगों को सो so, राइटर uh, के दिमाग में ऐसी क्या सोच आती है ये एक ड्रामा मेकर hmm. के दिमाग में कि यार ठीक है ये फिल्म तो थी

Uh, में जाके मेजरमेंट उसकी जरूर होती है और rate, जैसे लेट सपोज अगर मैं आज यहाँ बैठा हूं इश्क मुर्शिद की वजह से प्राइमरली उसका रीजन ये कि वो ट्रेंड कर रहा है उसकी रेटिंग आ रही है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग्स नहीं आएगी या उसकी uh, ट्रेंडिंग पे वो नहीं जाएगा तो उसके सक्सेस को आप कैसे मेजर करोगे तो मोहब्बत तुझे अलविदा का भी जो मेरे अंदर एक ट्रिगर पॉइंट था कि इसका सक्सेसफुल होना वो इंट्यूटिव इतना ज्यादा था मेरे अंदर कि मुझे लगता था ये एक सक्सेसफुल किया था मजेदार आई थी तो मेरे से है। अच्छा, इश्क uh, इश्क की आपको कहाँ से मिली और ये आपने कब लिखा था क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी कहानियां लिखी जाती हैं और फिर काफी वक्त बाद बनती हैं तो आई एक्चुअली डोंट नो इश्क मुर्शिद आपने कब लिखा कब बना प्रोसेस अगर आप हमें देखिए इश्क मुर्शिद का जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली तीन कहानियां थी अच्छा बल्कि हैं तीन कहानियां इश्क मुर्शिद मैंने सुना दी पहली जो इसकी कहानी थी वो एक ऐसे लड़के की थी जो अपनी मोहब्बत तक पहुंचने के लिए या अपनी मोहब्बत की खुशी को पाने के लिए किन किन मुश्किलात से होकर गुजरता है जो शिद की कहानी थी और ये मैंने पूरा प्लान किया था टू थाउजेंड 17 में अच्छा पहली कहानी ये होगी और इसका जो दूसरी इसकी जो दूसरी कहानी है वो है कि एक लड़का किस तरीके से अपने बहुत क्लोज के रिलेशन या अपने जो ब्लड रिलेशन की खुशी को पाने के लिए किस किस मुश्किलों से गुजरेगा और इसका थर्ड वर्जन है कि एक आदमी या लड़का इश्के हकीकी अपने रब की मोहब्बत को पाने के लिए किन किन मुश्किलों से गुजरेगा ठीक है तो ये इश्क मुर्शिद का टोटल ये थ्री चैप्टर्स की कहानी है या, या ये तीन है। तो पहली कहानी मैंने सुना दी इश्क मुर्शिद अब इसको लेकर आप सवाल करें नहीं लेकिन ये तीन कहानियां जब आपने कंसीव किया था तो आपने इसको ऐसे तीन चैप्टर्स में ही कंसीव बिल्कुल किया था। मैंने था तीन तीन चैप्टर्स इसके अलग अलग सीरियल्स बनेंगे बिल्कुल ऐसे ये मेरी तीन कहानियां थी उसके मैंने आउटलाइंस लिखे थे Uh, 17 या 18 में मैंने uh, तीन कहानियों के ड्राफ्ट बनाए थे अलग अलग, -अलग, -अलग, हाँ। हाँ, 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 अलग, -अलग हाँ, सेकंड से, से का भी कैरेक्टर है थर्ड का भी कैरेक्टर है कि पहली जो कहानी थी वो शामिर सिकंदर की कहानी है ठीक है दूसरी कहानी फिर एक और लड़के की तो है बेसिकली वो तीनों अलग 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 कैरेक्टर है और आपके थॉट जो आई इस तीन अलग अलग लड़कों की बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट हाँ। तो आपने जब लिखना शुरू किया जैसे आप बता रहे हैं तो ड्राफ्ट किया तो आपने वो तीनों को पैरल लिखना शुरू किया या मैंने कहानियां सबसे पहले उन तीनों की बनाई अच्छा हाँ। पैरल तीन कहानियां आपने साल दो साल लगा उसमें और फिर दो तो हजार क्या, कैसे मतलब एक इधर लिखते थे फिर उधर नहीं नहीं कहानियां सिर्फ जब आप सोचते हैं ना कि उसकी जब आप उसको आउटलाइन पर लेकर आते हुँ. हैं कि यार इस तरह की जर्नी होगी पहले कहानी दूसरा किरदार मेरा ये है, तीसरा किरदार मेरा ये है, जो उसकी जो इन बिटवीन द लाइन जो उनकी एक मैचिंग पॉइंट है वो यही है कि वो अपनी खुशी तक पहुंचने के लिए किस तरीके से पूरा स्ट्रगल करेगा जबरदस्त और चूंकि वो स्क्रीन प्ले का पूरा एक आर्ट होता है जी जी। स्टोरी टेलिंग में जिस तरह आपने इश्क मुर्शि भी देखा इश्क मुर्शिद के अंदर मोमेंट्स का एक बहुत बड़ा जाल मैंने बिछाया है कि मोमेंट्स बहुत सारे हैं जी तो आई थिंक दो साल लगे इस को लिखने में तो ये जब आप आ, के जहन में तीन पैरेलल ट्रैक्स या कहानियां चल रही थी तो जब आपने बनाने के लिए पिच किया तो तीनों पिच की थी या उनमें ये आपने पिच ही ये किया पहली मैंने पिच की थी वो आपने डिस्कलोज नहीं, 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 दूसरी ये दो भी जर्नीज है मेरे हाँ बिल्कुल है एंड दिस वॉज ऑलवेज मैं यही था स्क्रिप्ट कहीं नहीं, और मैं दो तीन लोगों के पास मैं गया और मैंने उनसे कहा कि डायरेक्टर और एक्टर्स मेरी मर्जी के होंगे अच्छा हां और चूंकि मोमेंटल एंटरटेनमेंट इज लाइक अ घर फॉर मी बिल्कुल बिल्कुल भाभी सच अ स्वीट सोल और वहां पे गीती होती है जी जी। गीती मसूर जो उनकी हेड ऑफ कंटेंट है तो इश्क मुर्शिद में उनके पास लेकर गया था तीन और भी लोगों के पास गए थे उनका नाम नहीं बताएंगे हाँ, उनको समझ नहीं आई तो ठीक है ठीक है। अब वो कह रहे थे कि चैनल जाएगा, फिर से अप्रूव से अप्रूवल है तो फिर वो किस चीज का राइटर है लेकिन ये तो प्रोसेस का सूरत नहीं है इसी एक रास्ते से ही आप अपना ड्रामा बनता हुआ देखेंगे जैसे ईश मुर्शिद मेरे अंदर था तो पहली कहानी मैंने पहले हाउस को पिच की दूसरे हाउस को पिच की भाभी के साथ डिस्कस की भाभी को क्लिक कर गई गीति को क्लिक कर गई शहजाद जावेद होते हेड ऑफ कॉन्चेंट उनको बहुत अच्छी लगी और फिर लिखने का प्रोसेस हुआ हम तकरीबन सेवन एट्थ एपिसोड पे गए दादा को कहानी सुनाई फारूक को अच्छा फारूक को भी यही बात कही कि दिल को लगे तो कीजिएगा वरना इसको नो कर दीजिएगा और दादा ने कहा मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा तो फिर उनको सुनाई फिर कास्टिंग के ऑप्शन आए तो उस तरीके से फिर बनना शुरू हो तो गया। फिर जो अब सवाल मेरे जहन हाँ। में आ रहा है कि डायरेक्टर और कास्ट आपकी मर्जी से ही फिर चुने गए ऐसा ही है मेरी भी मर्जी से चुने गए यू भाभी फारूक ऑफकोर्स देखिए डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप उसका जो एक दर्जा है या उसका जो एक रुतबा है वो बड़ा है तो वो पूरी शिप को ड्राइव करके लेकर चलता है और अगर राइटर को इतना कॉन्फिडेंस मिल जाए कि प्रोड्यूसर उसकी मर्जी का हो कास्टिंग उसकी मर्जी की हो और डायरेक्टर उसकी मर्जी का हो तो फिर वो अपना जो बेबी तो फारूक भाई आपके फर्स्ट फर्स्ट चॉइस ही थे चॉइस नहीं थे उस जर्नी में दो तीन और भी डायरेक्टर्स आए थे तो उनको कहानी उस तरीके से समझ नहीं आई मुझे वो समझ में नहीं आए तो थर्ड या फोर्थ ऑप्शन पे फारूक के पास हम गए थे तो उनको कहानी समझ आ गई कंसेंसस हो गया हो गया और कास्ट क्योंकि कास्ट का तो बड़ा मेजर एक ड्रामे को लेके लोग बात भी बहुत कर रहे हैं बिलाल की दुरे की तो ये जो कास्टिंग थी एंड बिकॉज uh, बिलाल और दुरे ने इससे कबल साथ में काम नहीं किया था तो uh, अब जो ड्रामा चलने के बाद दोनों की कौन स्क्रीन पेयरिंग के को लेके जो बात हो रही है लोग बड़ा उनकी परफॉर्मेंसेज uh, को एंजॉय कर रहे हैं मैं तो अक्सर अपने रिव्यूज़ में कहता हूँ जिस तरह वो एक दूसरे को देख रहे हैं किरदार तो ये जो एक एक, एक विजन था यार कि इन दो को बना के करते हैं वो किसकी तरह से आया ये नाम किसने सजेस्ट किया नहीं, नहीं देखिए नाम जब मेरे जहन में शामिर सिकंदर के कैरेक्टर को लेके एक लाइन आई थी कास्टिंग को लेके अच्छा वो था बिलाल अहद हमजाली अबासी अच्छा एक और मेरे ख्याल में थे तो मैंने भाभी से कहा बता बता दिए वो भी दें भूल रहा हूँ थे हमजा बासी चौथा होगा कोई कास्ट में मेरे ख्याल में तो आ, वहाज। अच्छा वहाज। हाँ वहाज। ये चार आपके दिमाग में आए हाँ, कि इन चार में से कोई एक होगा तो इसको करने में मजा आएगा ठीक है देखिए आठ से नौ का जो प्राइम टाइम होता है वो ऑडियंस शायद बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता कि आठ से नौ का जो फंडा है वो सेल्स के साथ इंटरलिट है हाँ ये ऑडियंस को नहीं पता ज्यादा 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 लोगों को नहीं पता ना कि आठ से नौ का जो ड्रामा होता है उसमें कास्टिंग आपको थोड़ी सी ऊपर की चाहिए होती है लीग बना आप उसको कह लें ताकि फिर सेल्स को भी फिर उनके नाम पे छोते हैं। तो लड़का लड़की फिर उसी हिसाब से जाते अच्छा तो ये चार नामों में फिर जो आपने अप्रोच हमने सबको किया अच्छा हाथ से भी मीटिंग हुई वाज का तेरे बिन चल रहा था और उस उसपे हमें ये लग रहा था कि उसका एक सीरियल ऑलरेडी इतना बड़ा चल रहा है तो उसको ना छेड़ा जाए तो को अप्रोच 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 ही नहीं किया आप हुआ हुआ था अच्छा। अप्रोच हुआ था बात बात हुई थी लेकिन वो एक डेस्टिनी की बात होती है कि बिलाल को ज्यादा कैरेक्टर समझ में आ गया था अच्छा दूसरा फिर यह था कि हमारे यहाँ ये भी एक ट्रेंड है कि छब्बीस एपिसोड पूरे होने चाहिए कास्टिंग की तरफ से आती है चीज तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ अगर मैं छब्बीस कम्पलीट कर लू और पहली एपिसोड के दस सीन आपको समझ में ना आए तो बाकी जो 25 एपिसोड और 20 सीन जो उसके बचेंगे तो वो फिर किस काम के तो कन्विक्शन का होना बहुत जरूरी है अच्छा आल्सो काइंड ऑफ राइटर के मैं चार पांच एपिसोड्स पे अपनी कास्ट को लॉक कर लेता मुझे अच्छा, हाँ मुझे मुझे ये जानना जरूरी है कि ये कैरेक्टर कौन सा एक्टर करेगा और कौन सा एक्टर इस स्क्रिप्ट के ऊपर कन्विक्शन के साथ आएगा कॉन्फिडेंस के साथ आएगा तो बिलाल को हमने दस एपिसोड सुनाए थे अच्छा

बस में दक्के खाता हुआ तो मुझे हमजा ज्यादा अपीलिंग लगता था लेकिन जाहिर सी बात है हम जिस टाइम ऑफ फ्रेम में काम करना चाह रहे थे उसमें हमजा अवेलेबल नहीं थे और तो हमजा ने जाने जा करना था ठीक है और फीमेल कास्टिंग की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे दुर्रे का नाम कैसे हीरोइन हुआ आपकी सजेशन थी ये जब कहानी में लिख रहा था जब ये स्क्रिप्टिंग चल रही थी मेरे बहुत अच्छे दोस्त सिराज

तो इश्क मुर्शिद भी में सिराज को सुनाता था और सिराज को अच्छी बात ये थी उसकी के। सिराज को पता था कि उसने इश्क मुर्शिद नहीं करना तो वो कास्टिंग पे अपना कमेंट जरूर देता था, था सिराज ने दुरे का नाम लिया था अरे वाह ये हाँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हाँ और दुरे ठक करके लगी थी कि यस शिवरा अगर बनेगी तो दुरे ही होनी चाहिए

आई एम श्योर के राइटर का एक विजन होता होगा कि यार ये अगर ये लाइन है क्योंकि हमें पता है बहुत सारे राइटर्स तो कहते हैं यार मेरी लाइन का ए से बी भी, भी ना हिले बस नहीं सारे बहुत सारे नहीं है बहुत माजरत के साथ अच्छा अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में वो और ये हसन आप भी जानते हैं एक ही है खलील साहब है बस उनके अलावा सबकी लाइन तो मेरा जी है, है। जो कि एक हाशिम भाई भी हाशिम साहब भाई भी हैं काफी हैं

सक्सेस uh, जो उसका चार्ट है और बिलाल का जो चार्ट है तो मैंने कहा मेरा तीसरा सीरियल है तो अंदर से ये तो थी कि यार मेरा ड्रामा ऐसा होना चाहिए हुँ. कि इनके करियर को वो ऊपर लेकर जाए हुँ. सबसे ऊपर अल्लाह का शुक्र है बहुत मेरे रब का करम है कि वो सबसे ऊपर लेकर गया तो ये चीज मेरे अंदर थी चूंकि मैं बहुत कम लिखता हूँ तो बिलाल के लिए भी कुछ ऐसा रोल लिखना या सी स्क्रिप्ट लिखना या दादा के लिए लिखना या मोमल एंटरटेनमेंट के लिए लिखना या इवन हम नेटवर्क के लिए लिखना कि वो स्टैंड आउट कर जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया और वो स्टैंड आउट किया उसने एज समवन जिसने ये कहानी कंसीव की थी आपको क्या लगता है कि क्या इस कहानी का एस्पेक्ट था जो ऑडियंस के साथ इस लेवल पे जाके कनेक्ट किया क्योंकि एक तो होती है सक्सेस एक ड्रामे की यार सक्सेसफुल हो गया एक होती है ब्लॉक बस्टर तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि इश्क मुर्शीद को आप एक ब्लॉक बस्टर सक्सेस कहें आपका कहानी के साथ डिसअग्रीमेंट हो सकता है आपका ट्रीटमेंट के साथ डिसग्रीमेंट हो सकता है बट प्योरली इन टर्म्स ऑफ द रेटिंग या नंबर्स की जो आप बात करें व्यूज की आप बात करें ट्रेंडिंग की बात करें इट इज अर्टिफाइड ब्लॉक बस्टर हिट इस लेवल पे कनेक्ट करना एंड अगेन अगर आप देखा जाए तो ये भी कहानी ऐसी नहीं है जो पहले नहीं बताएगी क्योंकि इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि ड्रॉ की गई है अच्छा मैं, अच्छा मैं आपको एक बात जुदाई हाँ। नहीं देखी।, नहीं देखी।, हाँ। देखी।, देखी, देखी थी आपको मतलब श्रीदेवी की शायद एक आध और फिल्म हो जो जिस पर मेरा दिमाग कभी घूम गया तो मैं उसकी को पैंतीस हिस्से लिख दूंगा ठीक है बने ना बने देखो राइटर जो लिखता है वो अप्रूवल्स के लिए नहीं लिखता मी राइटर अपने आप के लिए लिखता है और वो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है वो लोगों को पसंद भी नहीं आ सकती वो लोगों को बहुत पसंद आ सकती है श्रीदेवी जी का वो तो, तो बावरची आपने नहीं देखी नहीं देखी मैंने हीरो नंबर वन भी नहीं देखी नहीं देखी मैंने नहीं देखी वैसे ही आपको देखिए मैंने देखिए एक चीज होती देखिए मैंने एक थॉट आपको शुरू में एक चीज बताई कि मैं एक तीन ऐसे कैरेक्टर्स पे काम करना चाहता था जिसमें पहली कहानी ये थी वो अपनी मोहब्बत को पहुंचने के लिए इस तरह की बदल सक... के... हाँ कह रहे मैं मान रहा हूँ आपने इंस्पिरेशन आप, नहीं ली कहीं से आपके दिमाग आया बट ऐसी कहानियां हो चुकी है बट कहने का मकसद ये ऑडियंस ने तो शायद देखी हूँ आपने शायद ये सोच के नहीं इस का ऐसा कौन सा था जो आपको लगता है? इस लेवल पे मुझे शादी नहीं हो सकती लेकिन उसमें आप पर्सपेक्टिव देखिएगा कि कोई कैरेक्टर लाउड नहीं हो रहा ना ही अपनी कनपटी पे गन रख रहा है ना ही कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है ना ही कोई आईसीयू में एडमिट हो रहा है एक ड्रामा चल रहा है घर घर के बीच में और हर लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहते कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती तो उसके अंदर वो सुसाइडल नहीं हो रहे हैं बिल्कुल सही और एक और चीज थी कि ये माँ के ये माँ मा नहीं बन सकती मैं इसे तलाक दे दूंगा और थपर, मुझे बेटा चाहिए थप्पड़ थप्पड़ पढ़ रहे हूँ मुझे ऐसा ड्रामा लिखना नहीं था दैट इज the रीजन मैं अगेन ये कहूँगा कि उसके चक्कर में मुझे तीन कहानियाँ कुछ ऐसी अब सोच चल रही होती है यार पहली कहानी ऐसी होगी दूसरी ऐसी होगी तीसरी ऐसी होगी तो मैंने पहली अटेम्प्ट की उसका रिजल्ट में खुद भी देखना चाह रहा था और वो का शुक्र है बहुत अच्छा है तो ऑडियंस के साथ आपको क्या ये तीन फैक्टर्स यहाँ आपको लगता है जो कनेक्ट किया मुझे लगता है कोई भी चीज हटकर होगी ना हटकर अगर होगी वो सुनाई भी देगी दिखाई भी देगी पसंद पसंद ना ना एक एक अलग मैटर है। है तरह क्या... हाँ, बहुत ज्यादा हो गया ना, मतलब दो लड़की, एक लड़की, दो लड़की लड़की लड़का तो कितना करोगे आप इसको? लेकिन ठीक लोग कर रहे हैं चल रही है ठीक है थोड़ा सा क्रेडिट आप मेरे लीड्स को भी दे कोर्स देखें अगर मैं इतनी बड़ी कास्टिंग में चार लोगों को कह रहा हूँ कि देखें मैंने कहा ना आठ से नौ में आपको का एक्टर चाहिए होता है डायरेक्टर भी आपको चाहिए तो वरना वो बन नहीं सकता ना कैसे बनेगी ये सात से आठ या नौ से दस का तो स्लॉट नहीं है तो आठ से नौ का चैलेंजिंग होता है अच्छा दूसरा मैं बताऊं अभी चूंकि आपको भी इस बात का पता होगा स्टार्स के लिए एक्टर्स के लिए कहले इनके पास इतनी रेंज आ गई ना स्क्रिप्ट्स की मैं तीन चार दोस्तों के घरों में जाता हूँ लिटरली दस दस स्क्रिप्टे पड़ी हुई होती है मैं कहता है यार पढ़ा भी है कुछ कहते यार वो वॉइस नोट आई है वो मैं सुनूंगा क्योंकि एक्टर्स के पास ऑप्शन आ चुके हैं सोशल मीडिया ने उनको इतना बड़ा कर दिया है और सबसे अच्छा करना है ना उनकी रानी शानदार होगी ना ही उनके विलन शानदार होंगे तो कंटेंट की बहुत बड़ी गेम हो गई इस वक्त अच्छा अब मैं क्योंकि फारूक भाई के साथ अच्छी मेरी दोस्ती भी है इंटरव्यूज भी कर चुका हूँ

जो कंटेंट है किसी भी डायरेक्टर के पास जाएगा. इसको अपने ही से परसीव करेगा. Hmm. जो जितना कॉन्टेंट चला है तो लोग ये करते हैं कि सारा राइटर का है ऐसा होता नहीं है एक्टर भी इम्प्रोवाइज करता है डायरेक्टर भी प्रोसेस hey, होना तो ऐसे ही नहीं चाहिए कि अगर राइटर का नाम है और अगर लोग

जिसमें यमुना लॉन्च हुई थी मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वहां से हमारे एक शुरू हुई थी जर्नी नादिया ने वो स्क्रिप्ट लिखी थी तो जब फारूक भाई इस तरह का कोई एडिशन करते हैं तो ऑब्वियसली आई एम ज्यूमिंग कि आपसे प्रोफेशनल हो इख्तलाफ होता है प्रोफेशनल इख्तलाफ होता है

सक्सेस है सो फादर्स अगर इसको फ्लिप कर देते हम सिचुएशन को हाँ। तो, खुदा ना करे डिस्कस ही नहीं होता फिर। कितने हैं जो बिल्कुल ठंडे चले जाते हैं डिस्कस ही नहीं हो रहा होता फिर नहीं मैं बैठा होता नहीं आप इंटरव्यू कर रहे होते भी बात इतनी ट्रैफिक चल रही है तीस चालीस डा में तो

ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसी और जगह पे हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में चले जाते हैं अक्सर कैरेक्टर जिस लोकेशन में होते हैं जो उनका गेटअप होता है के यार ये क्या हो रहा है एकदम अभी तो लीनियर एक कहानी चल रही थी बीच में ये ऐसा हुआ है। ये आपकी इनपुट है ये फारूक भाई की है ये क्या है और ये क्यों है क्योंकि दिस प्रोसेस एक दो बार तो चले ठीक है बंदा कहता है कि यार मजे का एंड वही वाली बात है व्यूज आ ट्रेंड आ रहा हो तो हर बुरी चीज भी आपको लगता है कि अच्छी है यार ठीक है।, है मजा आ रहा है जब आप लीड्स की केमिस्ट्री को इतना इंजॉय कर रहे हैं बट ओवरऑल अगर देखा जाए दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस क्या आप बोले यार कि हर फिल्म, हर ड्रामे में आप इस तरह करना शुरू कर दें देखिए हमारे यहाँ जो है ना ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे यहाँ स्क्रिप्ट लॉकिंग की सेंस है ही नहीं या उसकी रिवायत नहीं है फॉर इंस्टेंस किसी भी बड़े चैनल में कोई ड्रामा हिट होता है उसमें इतना पानी मिला दिया जाता है। 28 को 70 कर दिया जाता जाता है है एपिसोड्स को कर आप खुद ही तो कह रहे हैं हम पूरा ड्रामा भी तो नहीं लिखते शुरू में अगर आप छब्बीस किस्तें लिख के किसी को दे दें तो स्क्रिप्ट तो तभी लॉक हो ना जब छब्बीस किस्तें लिख के कोई ड्रामा लॉक हो ही नहीं रहा नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं है देखिए स्क्रिप्ट की लॉकिंग हमारे यहाँ ओवरऑल या हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है देखिए राइटर लाहौर से बैठ गुजरा वाले के। से बैठ के हैदराबाद से बैठ के वो स्क्रिप्ट आ जाता है प्रोडक्शन हाउस के पास जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस रही है या जो है और फिर प्रोडक्शन हाउस स्लॉट्स को फिल करने के लिए इसको भेज दो उसको भेज दो दो उसको दो, उसको भेज और वो जो टीवी की कंटेंट टीम है वो ओनरशिप ले लेती है ओनरशिप ले लेती है तो हमारे यहाँ उस तरीके से ओवरऑल राइटर डायरेक्टर का बैठ के लिखना लिखवाना इस तरह से है नहीं और उसकी नहीं है इट्स नॉट अ गुड साइन होना चाहिए मेरे हिसाब से जो आपको जम्स भी लगते हैं तो डायरेक्टर का ठीक है आपने देखें जैसे मैंने सॉरी आपकी बात कर रू जफर मिराज को इंटरव्यू किया था उन्होंने ये एग्जैक्टली exactly ये बात की थी बट इस कॉन्टेक्स में की थी कि उनका और काशिफ निसार का ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे वो बैठ के थ्रू आउट डिस्कस करते हैं चीज कम होता हो और उन्होंने यही कहा कि दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट होना ऐसा ही है होना ऐसे ही चाहिए तो ये जो आप बता रहे हैं ऑब्वियसली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट

यकीनन वो एक कितना रोमांस अंदर अच्छा बसा था कि उसको पेपर पे लाने में मज़ा भी बहुत आया लेकिन होता क्या है राइटर ने बैठ के अपनी एक दुनिया वर्ल्ड स्टेट्स फॉर्म कर लिया डायरेक्टर फिर उसको अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करता है तो वहाँ पे प्रोफेशनल क्लैश कह लें या डिसग्रीमेंट कह लें वो बिल्कुल आता है और हमारे बीच भी आया है फॉर इंस्टेंस अगर आपने कल के एपिसोड देखी हो मैंने देखी बिल्कुल अब कल की एपिसोड में जब शामिर अपने फादर को अच्छा सबसे पहली बात ये कि शामिर उनके जो फादर का कैरेक्टर मतलब जो उनका रिलेशनशिप है हुँ. वो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं था स्क्रिप्ट के अंदर वो एक मजबूरी थी पार्टी थी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से अपने फादर के साथ लेकर एक रिलेशनशिप को चल रहा है वो समझता है कि मेरी माँ के मरने के पीछे जो कारण है या जो रीजन है वो उसके अंदर मेरा फादर इन्वॉल्व है अच्छा ये श... क्योंकि शुरू में हमें झलक आई थी बट हाँ, बीच में नॉर्मल हो हाँ, गया तो हमने बीच में नॉर्मल कर दिया गया था ठीक है तो वो एक थॉट शामिर के दिमाग में ऑलरेडी रही है वो रही वो नहीं वो सीन था शुरू के एपिसोड्स में वो अपने फादर से पूछता है कि लोग मुझसे सवाल करते हैं इवन इवन एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया कि शामिर को लोग क्यों नहीं जानते

वापस चला गया तो वहां पे कन्वर्सेशन थी उसकी उसकी बीवी के साथ फरा के साथ तो फरा उसको कहती है इसको जानता कौन है तो वो उसको कहते हैं इसी बात का तो दुख है कि मैं उसको आसमान का सितारा बनाना चाहता हूँ हाँ। तो ये जमीन पे धूल

क्योंकि मुझे ऐसा हीरो कंसीव ही नहीं करना तो जो बाप के घुटनों में बैठ जाए हाँ जोड़ना दे दे। शुरू कर दे कि मैं मर जाऊंगा तो उसका जो एक्शन था वो ये था कि तुम मर जाओगे बाबा आप मर जाएंगे अगर आप मेरे अच्छा, साथ नहीं गए तो था, था हाँ, हाँ वरना आप नहीं रहेंगे आपको चलना है मेरे साथ सुबह दस बजे में वेटिंग ऑर्डर देके चला जाता है अच्छा फिर वो फर कहती है कि यार इस मतलब इस मतलब सिचुएशन को तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकते ओके फिर सुबह वो जाना वेरी इंटरेस्टिंग तो इसको तो 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 पार्ट yes. बिलाल की क्यूटनेस या बिलाल ने जो परफॉर्मेंस दे दी वो कैरेक्टर को काफी आगे तक वो लेकर गया लेकिन यकीन जो विजुअल मेरा था वो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुआ जिस बंदे ने लिखा हुआ होता है तो उसको ज़्यादा बेहतर होती है कि यार ये चीज़ ऐसी थी शिब्रा के पहले एपिसोड का जो सीक्वेंस था जब उसके फादर को पेश किया जाता है, के के जी बिल्कुल। है। जब मुझे कहा लेक्चर दे रही है देखिए हमारे पढ़ानों की कहावत है किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा नाम किया है तो उसने कहा खुदाए 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 तो उसपे गांव वाले ने उसको पीटना शुरू कर दिया तो उसने कहा पहले बात तो सुन लो मेरा नाम तो पूरा सुन लो मेरा नाम है खुदाएदाद <laughs> <laughs> तो अब वो खुदाए पे ही वो सीन रुक गया <laughs> हाँ ऐसे ही हुआ समझ रहे हैं तो वो वहां सीन रुक गया कि उसके आगे भी थोड़ी सी कंटिन्यूटी थी और शिब्रा का जो कैरेक्टर था जो कि वो एक शेरनी टाइप का था बट मे बी प्रोडक्शन के मसाइल हो डेट्स के लोचे हों यू अब एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन के बाद कि जो आपने लिखा था अगर हम इसको परसेंटेज में देखें कि कितना तब्दील हुआ है तो <laughs> तो ये मेरे तो ख्याल में 50 से ज़्यादा तब्दील हुआ एक, 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 मेल, लेके मेल ले, ले चले फीमेल का भी आप कह रहे हैं कि एग्रेशन ज्यादा था उसको भी बिल्कुल हम कम करके ले गए हैं तो ये तो बहुत बड़ा एक चेंज था जो कि जिसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट डायरेक्टली कहानी के ऊपर आई सपोज

क्रिटिसाइज की में आएगी ऐसे दैट इज़ फॉर एनिमल उठा के देख लें ऐसे है। uh, जवान भी उठा के देख लें ऐसे है। तो वो तो पार्ट ऑफ अ गेम है नहीं नहीं एज ए राइटर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्टर का बड़ा स्ट्रॉन्ग इनपुट है इस केस में आपको कहीं लगता है कि यार ये थोड़ा पुश हो गया इतना नहीं इसको मुझे मुझे ये लगता है कि फारूक अपना एक ओपिनियन होगा ट्रांसलेटिंग दो सीन्स जहाँ पर मैं काफी अनकंफर्टेबल हुआ होगा तो उनका अपना एक स्टांस होगा कि उन्होंने इसलिए ये कर दिया एग्जांपल आप देना चाहेंगे किसी सीन की किसी जैसे कल रात को एक सीन था जैसे वो फादर को जिस तरीके से वो थ्रेट करता है वो आपके लिए एक बड़ा है और वो सुबह वो गाड़ी में बैठाता हैं कि आप मुझे रोल्स राइस का ड्राइवर समझेंगे और ये जो सेवे की गाड़ी है आपके लिए इतनी कम्फर्टेबल होगी आप बैठे इसमें और वो लेकर आता है और वहां पे सलेमान साहब उसको मना कर देते हैं रिश्ते का तो हमें तो कॉन्टेक्ट तो नहीं पता था हमने कहा हाँ, तो तो वो जाके बैठ जाता है अब वो शिबरा का जो एक कैरेक्टर था कि एक तरफ उसकी मोहब्बत है दूसरी तरफ उसके फादर है अच्छा फादर ये सब कुछ क्यों कर रहे है क्योंकि उसको ये लगता है है देखिए औलाद जो ना बड़ी सेंसिटिव चीज होती है बड़े से बड़े से बंदे का बैठना और हारून इज काइंड ऑफ कैरेक्टर की वो बाहर बैठ गया है मीडिया को अगर पता चल गया तो क्या होगा और फिर सुलेमान और दाऊद की कन्वर्सेशन के भगाओ उसको वहां से मैं कैसे भगाऊ लॉक करना रिश्ता लॉक होना और फिर बारिश का होना और फिर शिदरा अच्छा? का शामिर के पास आना। ओ, हो ये सब हुआ नहीं तो बस हाँ <laughs> <it happens. laughs> यार ये तो मुझे फारूक भाई को भी बिठाना पड़ेगा यार हाँ, लेकिन ले। मैं मैं बल्कि ये तो राउंड टेबल होना चाहिए था आप हाँ। और फारूक भाई और हम सब आप हम तीनों बैठे हुए और हम मैं ये अच्छा मेरी और फारूक की डिस्कशन होती है अच्छा मैं अगेन ये बात कहूंगा आप हर एपिसोड के बाद फोन मिला उठा के कहते नहीं यार ये क्या कर दिया दिए नहीं उसका रीजन और है फारूक मेरे लिए डायरेक्टर और दोस्त से कहीं ऊपर के रिश्ते पे है उन्होंने है है है, है, है। तो बस हाँ। हाँ। हाँ, एक डायलॉग मिस किया कि जब वो शिबरा और शामिर को पकड़ा जाता है सुलेमान जब उनको हाँ। शादी पे पकड़ते हैं तो वहां पे वो थप्पड़ मार के कहता है कि मैंने तुझे मलाई समझा था और तू मवाली निकला अच्छा ये भी तो मैंने को यार ये दादा ये लाइन हरी चाहिए थी यार वो मोलाई और मवाली को जरा मिलाना चाहिए था हाँ, वो भी हटा दिया उन्होंने हटा हाँ, दिया ठीक है <laughs> फारूक भाई से, ही, हाँ। से अच्छा एक चीज और जो आ, मैं और आमना जब हम रिव्यू कर रहे थे तो आमना ने भी इस बात को उन्होंने ज्यादा पॉइंट आउट किया मुझे लगा कि ठीक था बट शी सेड से शिब्रा का जो रिएक्शन है ऑन द बिग रिवील एक तो मेरी और आमना की बड़ी डिस्कशन हुई यार कि इस ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या था आमना ने कहा यार ये तो क्लाइमेक्स था क्योंकि एक लड़का है लड़की उनके ड्रामे की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है कि लड़की को लड़के की असलियत नहीं पता तो पहले तो क्या आप एज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी ये समझते हैं कि यही क्लाइमेक्स था लड़की का लड़के को असलियत पता लगना नहीं नहीं ऐसा नहीं था देखिए मुर्शद बहुत से लोग देखते हैं और ये सवाल आमना ने जब उठाया था तो मैं बड़ा मुस्कुराया भी था कि मैंने पकड़ा है जब ये बिग रिवील होता है तो वहाँ पे एक सीक्वेंस था मेरा कि जब शामिर उसे बुलाता है और उसे ये बात नहीं पता कि ये शामिर सिकंदर है उसको घर से निकाल दिया गया है तो जब शामिर उसको अच्छा मेरे जहन में गरीब की चाय कैरेक्टर था गरीब की चाय बस से निकलकर वॉमिट करते हुए कि यार ये गरीब लोग कैसे बसों में सफर करते हैं एपिसोड टू या थ्री का वो सीन था वो और होता हाँ। है तो पलट के देखते तो सामने कहता है यहाँ पे मुझे सोल्यूशन मिलेगा तो सीधा इंटरकट में एक शॉट है कि गरीब की चाय का ढाबा है और भी ओपन में एक जगह थी मेरे जहन में जो एक नक्शा था उसका और वो गरीब की चाय पे जाके चाय का कप पीते है और वहां से वो प्लान शुरू करता है और फिर गरीब की चाय पे उस लड़की से मिलना उसको मिलाना वो बात बात उसकी सारी कन्वर्सेशन चलना और फिर इस मोमेंट पे लाकर शामिर का वो ये कहना कि मैं तुम्हें गरीब की चाय पर मिलना चाह रहा हूँ वो गरीब की चाय पर आती है और ये अपनी बड़ी सी गाड़ी में आता है और ये बिग रिवील था।, था ये बिग रिवील था और ये सामने उसके बैठता है ये सूटेड बूटेड होकर उसको हैरानगी से देखती है और ये उसको कहते हैं तुमने बहुत सुना है मुझे और तुमने बहुत बातें की है तुम आज कुछ नहीं कहोगे मेरी दो बातें सुनना मैं चाहूंगा अब तो भूल गया हूं। तो वो लड़का उसको कहता है कि देखो हर इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट होने में दो तर, दो तरह से सहारे लेता है एक अपना नाम और पहचान बताकर मेरा नाम हसन चौधरी है मैं समथिंग हॉट को रिप्रेजेंट करता हूँ मैंने आपको पहचान लिया और दूसरा रास्ता होता है अपना किरदार दिखाकर तो जब मैंने तुम्हें देखा मेरा नाम और पहचान इस काबिल नहीं था कि मैं तुम्हारे सामने बता सकूं इसलिए मैंने दूसरा तरीका अडोप्ट किया अपना किरदार तुम्हें दिखाना चाहता था और उसके बाद मैं बताना चाहता था कि मेरा नाम और मेरी पहचान ये है तो बड़ा अच्छा लगा उस पर वो टेबल पे दोनों हाथ मार के बोलती है कौन हो तुम फिर वो आगे बात लेकर चलता है फिर सेकंड पे था कौन हो तुम और थर्ड पे जब अपनी बात को कंप्लीट करता है और शिबरा बिल्कुल हैरानगी के समंदर में चली जाती है अरे बंदा कौन है और फिर वो जो चला के कहती है कौन हो तुम तो? और फिर वो कहता है इसका जवाब तो अच्छा। और, और हाथ उसको देता है, और हाथ देती है। गाड़ी में बैठाता है सन ग्लासेस लगाते हैं और वहां से गाड़ी चलती है और कब्रिस्तान और, और कब्रिस्तान में है। तो भाई ये क्यों निकाल दिया सारा ये उनका हो सकता है अरे यार अब सॉरी मैं आप, मैं आपके काफी देर से इस बात को मैं सुन रहा हूँ बर्दाश्त करोगे उनका हो सकता है लेकिन ये देखें ये ये तो तो, तो ये था बेसिकली ये, अच्छा, तो अच्छा, ये तो ये तो कहानी का पूरा एक सेंट फोकल पॉइंट है।, है और हम ये सवाल उठाते रहे भाई ये गाड़ी में कैसे पहुंची ये कब्रिस्तान क्यों चली गई है ये क्या है ये क्यों हो रहा है ये इनकी और उसके बाद जब उस लड़की को कब्रिस्तान लेकर आता है तो वहां पर भी वो रिवील ऐसे करता है वो एग्जैक्ट लाइन भूल गया हूँ कि वो जो नाम में लिखा है जिसका अः शामिर सिकंदर वो ये जिसकी कबर है वो मैं हूं ये जो कबर है जिसकी है शामिर सिकंदर की वो मैं हूँ वहां पे उसका रिएक्शन था उसका जाना था उसके पीछे हीरो का चलना था

हाँ, क्योंकि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट्स बड़ी कहीं कहीं जगहों पर बड़ी सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा नहीं आई एम श्योर यू नॉट लिटरली हसन आप कभी स्क्रिप्ट लिखें आप कभी उसको प्रोडक्शन में लेकर जाने की जब आप कोशिश करेंगे बहुत सारे हर्डल्स हैं डेढ़ डेढ़ इंच की इतनी मस्जिदें हमारी इतनी छोटी सी इंडस्ट्री में बनी हुई है कि आपकी सोच है और राइटर की अगर कोई चीज उसने लिखी उसको स्क्रीन तक लाना जैसे मुझे मैं खुशकिस्मती इस बात को लेकर समझता हूँ मैंने तीन चार बंदों की कहानी सुनाई फारूक वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको अच्छी लगी हालांकि मैंने और गीति और भाभी ने दो और भी डायरेक्टर्स लाइन अप किए थे हमने पहले फारूक को कहानी सुनी उसको वो क्लिक कर गई वो क्लिक करना और फिर आप तो कह रहे हैं ना दो तीन को पहले सुना चुके थे उनको नहीं समझ आई फिर कन्विक्शन मेरे अंदर इसके हिट का था मुझे ये लगता था भाभी को भी लगता था कि यार ये हिट है ये ब्लॉकबस्टर होगा इसका हमें आइडिया नहीं था हिट का बिल्कुल हमारे अंदर कन्विक्शन बहुत बता रहा हूं ना तो दूसरा रुख उसका म्यूजिक लड़का लड़की की केमिस्ट्री उनकी आंखों में रोमांस दो देखे एक्टर्स पपेट्स होते हैं शाहरुख खान जैसा आदमी अगर कह रहा है कि मैं एक पपेट हूँ और मुझे मेरा डायरेक्टर सजा लेकिन वो फिर भी अपनी मर्जी करता है लेकिन हाँ यहाँ पे यहाँ पे देखिये फारूक ने जो म्यूजिक पे उन्होंने अपना लिया बिल्कुल ऐसे ठीक है कौन हर चीज के होते हैं मतलब अहमद ने जिस तरीके से दूसरा गाना जो हमें नहीं समझ आया था और वो गिफ्ट किया गया और वो थर्ड फोर्थ एपिसोड से जब वो चलना शुरू हो तो मैंने फारूक से कहा उस गाने का आना तो दादा की जो देखें उनकी जो डिटेलिंग है ना दादा एक मुस्त डायरेक्टर है विद मुस्तनद स्टैब्लिश और बहुत आला पाए के ठीक है गलती तो उनसे भी हो सकती है देखिए जल्दी देखिए डेट्स का प्रॉब्लम होता है होता है हसन डेट्स का प्रॉब्लम होता है प्रोडक्शन के मसाइल मसले मसाइल होते हैं not, है, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सच बिग बिग ब्लंडर मैं तो ब्लंडर कहूंगा इसको कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और वो नहीं हुआ

शामिर के कमरे में जाती है ये कमरे को बाहर से देखती है जहां वो रहता था तो उसकी इमेजिनेशन या उसके दरवाजा खोलता है दोनों की कन्वर्सेशन होती है और एकदम से वो चांद से बाहर आती तो वहां कोई नहीं है तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो मुझे लगता है अगर वो होते तो ज्यादा शिब्रा ने जिस हिसाब से रिएक्ट किया ये आपने ऐसे ही लिखा हुआ था वैसे हुआ या इसमें भी कोई देखिए रिएक्शन को तो मैंने कहा ना कि कौन हो तुम कौन हो तुम उसका पूरा बिल्डअप नहीं, नहीं नहीं उसके बाद जो उसने ये फैसला अब किया है अब हम इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे शीज ओके विद, विद मैरिंग दिस गाय उसने उसको माफ कर दिया है जो भी उसने झूठ बोला या जो भी था। था। पर... माफ तो उसका बनता है माफ तो हाँ। उसने करना था चले ठीक है हाँ। लेकिन वो भी इसी तरह से आपने कंसीव किया था या उसका कोई और ड्रामेटिक नहीं, नहीं ये था शिबरा को बहुत सोच रही है या बहुत उसने वक्त लिया वो ऐसे ही था अच्छा मुझे मुझे बताऊ क्या जब जब मैं अग्री मैं समझ गया हूँ उसको मैं आमना का पॉइंट यहाँ पे शेयर करूँ क्योंकि उनको लगा कि वो था तो सही पॉइंट पकड़ा था कि फीका था रिएक्शन, रिएक्शन मतलब हाँ, मतलब यही था ना कौन हो तुम किरदार नाम पहचान पूरा बिल्डअप और उसके बाद गाड़ी में बिठाना कब्रिस्तान में लेकर आना उसके बाद लड़की का वहां से जाना डोंट टच मी डोंट फॉलो मी उसका फिर वो जाकर कमरे के अंदर रोना धोना और फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक लगना जो था भी कि मुझे एक ही दिन में सबसे बड़ा तो ये सब होता तो फिर हमें इतना बड़ा, बड़ा, बड़ा इतना लो ना लगता यकीन है अगर वो घर के बाहर बैठा है तो उसको आई थिंक कर देना चाहिए था कि अगर वो बैठ गया है घर के बाहर कि यार तुम तो मुझे घर से बाहर निकाल सकते हो मैं घर के बाहर बैठ जाऊंगा क्या कर लोगे आप आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मतलब तो बैठ जाऊंगा घर के वो तो अब आता ना जब वो लड़की मान चुकी होती है वो तो लड़की अब मान चुकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस छिब्रा के मानने से पहले इतना ही था रिएक्शन इतना ही था इतना ही था चले अगर ये सब कुछ होता होता तो शायद इंपाक्ट उसका इंपाक्ट बड़ा होता, ज़्यादा होता। हाँ। अब एक सवाल है वो यही जो शुरू में भी हमारी बात हुई कि आप कह रहे हैं जैसे एक किस्तें और हैं पांच छह है मेरे ख्याल में पांच छह तो अभी तो फिर ऑलमोस्ट दो महीने ईद के तो एक महीना हो गया ना हाँ ईद के बाद ही मतलब ऐसा ही

निभाई जाएगी देखिए पॉइंट ये ये तो आपने कह दिया कि शादी तो होगी शादी तो होगी लड़का लड़की का मिलना एक चैलेंज था उसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप कैसे चलेगा तो मेरे जैन में ये तो अच्छा नामा शादी नामा के बाद भी आप लेके जा रहे हैं बिल्कुल है वेरी इंटरेस्टिंग हाँ हमें तो लगा कि भाई ये शादी होगी तो हो जाएगा ये अगर अगर वो शूट हुआ हो तो ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकते भाई इस केस में तो हाँ, कोई स्पॉइलर नहीं है हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्पॉइल कर रहे हैं है। इस केस में तो हम कोई गारंटी नहीं दो दे दो एपिसोड पे खत्म हो जाए आप बोले तो कहा था कि एपिसोड कोई कोई गारंटी नहीं कोई गारंटी नहीं वो के के से शादी बाद आपको है आगे होगा मेरे ख्याल में शादी <laughs> लेकिन आपको कंफर्म नहीं पता की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ देखिये राइटर बैठता नहीं है ना वो मतलब शूट पे क्या करेगा जाके एडिट पे क्यों बैठेगा यार फोन तो है ना हाँ मैंने कहा ना देखिये आई स्वेर दादा का जो रिलेशनशिप डायरेक्टर वो मतलब वो

अल्हम्दुलिल्लाह। इन हंड साइड कुछ चेंजेस आप चाहते तो वो करते या आप जिस तरह चलिए अगर जैसा था वो शायद और मजेदार हो जाता और ज्यादा उसके अंदर ड्रामा हो जाता मुझे ये भी चीज लगती है इन जनरल के, ये ड्रामे का मतलब क्या है ड्रामा का मतलब लाजत लाइफ ही होता है ना ये एक फैंटेसी स्टोरी होती है क्या आप उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं सोचना चाहते हैं आप को दिखाना चाहते हैं तो हर चीज को आप सेटल नहीं कर सकते ये शादी नहीं हो सकती ये शादी नहीं हो सकती ठीक तो है चाहिए तो सही, सही बात है आ, मेरे दो ऑब्जर्वेशन अगर आप इजाजत दें तो तो एक तो जो आपने बताया कि यार आ, हमारे स्क्रिप्ट पूरा नहीं लिखा जाता तो, म, म, तो, मैं, मैं आपको अभी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ काफिर मैंने हुमायू भाई को सुनाया था तीन एपिसोड लिखे थे तीन एपिसोड सुनाए तो आगे

रोज रात को बिलाल से बात होती थी और वो कहते थे यार खालिक सुनाओ मुझे कहानी सुनाओ खालिक मुझे आगे आगे के के सीन सीन सुनाओ सुनाओ तो ये चीज होनी चाहिए ना एक कन्विक्शन में मतलब छब्बीस के बाद तो मतलब कोई भी आ जाएगा और जब आप एक्टर के साथ डिस्कस करते हो डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हो तो ड्रामे के अंदर बहुत मजेदार चीजें फिर आनी है दुरे के साथ भी डिस्कशन नहीं नहीं दुरे के साथ के साथ बिलाल ने ज्यादा देखिए देखिये कहानी का बिलाल है

जो जो हम देखते हैं इमोशन या फील तो वो उसकी कोई इंस्पिरेशन कोई है या बस एक वैसे ही रोमांस आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है रोमांस ड्रामा हाँ और आ, कहीं से इंस्पिरेशन जैसे श्रीदेवी से यकी आपने ड्रॉ की या कहां से कौन आती है पीछे दिल्कर वो, दिल्कर वो फिगर जिसके वजह से ये मोमेंट्स जो आपने बिल्ड ऑफ कोर्स महबूब साहब मदर इंडिया के डायरेक्टर जो मुझे लगता है कि इमोशंस का जो समंदर उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया है और के आसिफ साहब ने जो दिखाया है तो आप वहां से कनेक्ट करोगे या सुभाष भाई के सिनेमा मतलब उन्हीं का सिनेमा हम देख बड़े हुए हैं। तो लाज इन लाइफ चीज मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी अब ये अजीब सा फॉर्मूला गया सेटल विद सेटल कर दो मतलब ड्रामा ही खत्म हो गया रफ्तारफ्ता रफ्ता की कुछ बात कर लें। हाँ जी। आ, ये एज अ डायरेक्टर क्योंकि आपका पहला प्रोजेक्ट है इतने सालों के बाद एकदम ये क्यों आपने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है डायरेक्ट करते हैं और एक रमजान टिपिकल जो एक रमजान में ड्रामा आता हैफ्तारफ्ता उन्होंने लिखवाया जो कि मैं वही पे जॉब कर रहा हूँ तो स्क्रिप्ट हसान स्पेशलिस्ट रमजान का वो राइटर है हसान इमाम वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड उनकी स्क्रिप्ट थी किसी और ने डायरेक्ट करनी थी वो अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से राइट लेफ्ट हो गए तो बावर भाई ने कहा भाई तू आ जाओ अच्छा तो क्रेडिट गोस्ट टू बावर जावेद तो बावर भाई की हरकतें जो मैंने कर दी और मुझे लगता है कि डायरेक्शन कंटिन्यू में करूंगा अच्छा जबरदस्त लेकिन ये बड़ा अब एक हमने भी बड़ा इसके बारे में बात की कि यार स्टैंड अप गर्ल चल रहा था बड़ा जबरदस्त जा रहा था उसको एकदम बीच में हटा के और रिप्लेस कर दिया आपका कोई थॉट है इसके ऊपर कोई नहीं ने... मुझे लगता है रमजान में बहुत सारे ड्रामों की प्रोग्राम, टाइमिंग चेंज हो जाती है विच इज वेरी नॉर्मल अगर आप जियो की स्क्रीन भी उठा के देख ले हम या एर वाई तो नहीं चेंज हुई ए की हाँ थोड़े से जैसे हम में समी का एक ड्रामा आ रहा था दूरिया मेरे ख्याल में वो अब के बाद आएगा तो ये चीजें तो चलती है

वो भी काफी हद तक क्लियर हो गए कोई मैसेज आप देना चाहें जो इतने लोग इस मुर्शिद को प्यार कर रहे हैं और बड़ा इन्जॉय बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ये सीन है ये जंप है, है ये क्या ये क्या नहीं हम इंजॉय कर रहे हैं हमेशा मुर्शिद का जितना भी फैन क्लब है उन सबको बहुत सारा थैंक यू और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है वो हिंदुस्तान में भी है बांग्लादेश में बिल्कुल है यूरोप एंड अमेरिका में भी है तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुर्शिद को इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कि हम खुद भी अब सोच रहे हैं कि अगला क्या होगा हाँ, you know, like, अगले रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो दो और आपने सोची हुई थी उनके बारे में वो इनसे बड़ी कहानिया है वो अच्छा? इनसे भी बड़ी कहानिया हाँ, है उसमें नजर आई बिल आने से क्योंकि वो कहानी किसी और जगह की है लुक एंड फील की है ठीक है तो मुझे भी लगता है कि उसके अंदर कुछ और चाहिए और दूसरा ये बताऊं क्योंकि साल डेढ़ साल तक जब आप एक ही टीम के साथ काम करते हैं ना तो मुझे लगता है फॉरन उस टीम को रिपीट नहीं करना चाहिए दो तीन चार साल का गैप होना चाहिए ठीक है मतलब डेढ़ साल आप एक, एक एक्टर के साथ और डायरेक्टर के साथ आप एक चीज कर रहे हो कर रहे हो फिर फॉरन से दूसरा प्रोजेक्ट गैप बहुत जरूरी है ठीक हो गया थैंक यू वंस अगेन वेलकम आप आए और इट वाज अ ग्रेट बड़ा मजा आया और Same. जो आपने चीजें क्लैरिफाई की आई एम श्योर कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव इश्क मुर्शिद को लेके काफी हद तक अगर कुछ सवाल थे तो वो क्लियर आउट हो जाएंगे बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर रफ्ता रफ्ता मैंने रफ्तार रफ्ता, रफ्ता की पहली दो किस्तें अभी दूसरी दो नहीं देखी पहली दो देखी थी मुझे अच्छा लगा मैंने इन्जॉय किया कुछ चीजें मुझे लगी कि शायद वही वाली बात है सेटल हो सकती थी लेकिन आपने कहा नहीं खींच के रखो काम तो नाइस, बट ऐसा नहीं है हमें जो आ रहा उसमें भी काफी लोग जो वो कह रहे हैं कि वो रफ्ता रफ्ता देख रहे हैं और उसको है। अब मुझे इंतजार रहेगा सोचे हुए हैं वो है। जब आप लिखेंगे तो उम्मीद करते तब हमारी दोबारा मुलाकात थैंक अगेन एंड श्योर कि आपने इस कॉन्वर्सेशन को इंजॉय किया होगा अगर कोई सवाल मिस हो गया जो कि मुझे नहीं लगता हुआ है मेरे ख्याल में सारी बातें तो हमने कर ली हैं लेकिन अगर कुछ मिस हो गया तो आप कॉमेंट से <laughs> हो सकता है, हो सकता है। आ, एक सवाल ये भी है चले मुझे आप जाते जाते खुद ही याद आ गया बड़े लोग कह रहे हैं कि यार ये इंस्पिरेशन आपने ड्रॉ की है एक रियल लाइफ पोलिटिकल पार्टी से रियल लाइफ पोलिटिकल फिगर से मैं खुल के बोल देता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब की आपने तर्ज के ऊपर ये किरदार कंसीव किए या उनके साथ कोई ताल्लुक है क्या ये बात नहीं कभी है? कभी आप एक चीज सोचते हैं और सोचने के बाद फिर आपको कोई और आकर बताते हैं यार कि ये थोड़ा वहां पे जा रहे हैं जैसे मैंने बावरची मैंने लिटरी नहीं देखी लेकिन बाज लोगों ने ये सवाल उठाया और कुछ है क्रिटिक्स सो कॉल्ड क्रिटिक्स अच्छा क्रिटिक्स के बारे में मैं एक बात कहूं ये सो कॉल्ड क्रिटिक्स आप मुझे <laughs> कुछ हैं सो नहीं कौल नहीं कौल आप नहीं। हो आप हो क्योंकि अगर आप आ, उसको भी उठा के देखते हैं राजीव मसान को उठा के देखते हैं हाँ। या चोपड़ा जी को आप ये उठा ये ये के देखें हैं तो प्रॉपर क्रिटिक्स हैं मुझे लगता है एक्टर्स का क्रिटिक बनकर रिव्यू करना इज वेरी डेंजरस थिंग फॉर द सेक ऑफ मनी अगर आपने पढ़ा पढ़ा है ने है है ने तो वो 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 आए और वो क्रिटिक करते वो करते क्रिटिसाइज करते, करते। है। है, तो हैं ठीक क्रिटिसाइज़ भी उसके प्लस माइनसेस को इवेलुएट करूंगा माइनसेस अगर टिल डाउन हो गया तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा एंड वर्सा मुझे लगता है एक्टर्स का क्रिटिक होकर चीजों के ऊपर रिव्यू करना वेरी डेंजरस फॉर द इंडस्ट्री उसका रीजन ये है देखें मैं एक और भी चीज जाते लास्ट सिक्स के। कितने ड्रामे आपके उस चार्ट में आएंगे जो ट्रेंड करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामा बताऊं बड़ा चैलेंजिंग भी होता जा रहा है क्योंकि हर ब्लॉकबस्टर आपके एक्सपेक्टेशन लेवल को इंक्रीज कर रहा है और बहुत बड़ा एक वसी ऑडियंस

पहली दूसरी तीसरी तीनों कहानियां फैंटे फैंटेसी बेस्ड है। है। और एक आपने कह दिया कि कोई मरेगा <स्थाथ> कोई मर सकता है मुझे लग रहा है कि दादा ने किसी एक को फड़का दिया है <laughs> <laughs> आपने नहीं <नीदा लिखा>। <laughs> था लिखा अगेन मे बी देखिए थोड़ा सा तो थोड़ा सा बच जाए एक बात जो क्लैरिफाई होगी वो ये होगी कि ठीक है शादी तो हो जाएगी दैट इज नॉट द बिग वो नहीं। कोई बड़ी चीज उसके बाद इनका रिलेशन उसके बाद इनका रिलेशनशिप कैसा चलेगा वो असल अब आगे का पॉइंट uh, है बिग रिवील के बाद आई थिंक दैट इज वेयर द स्टोरी हेडेड एंड ये कोई स्पॉयलर नहीं हम देख सकते जा रही है तो आप मुझे उम्मीद है आप आप लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा और दूसरा यह बंदे बन, के फड़कने की या बंदी के फड़कने की कोई है। Maybe. Maybe. <laughs> Maybe का जो दादा, दादा हाँ। का इंटरव्यू तो हम क्या, करेंगे इंशाल्लाह जब ड्रामा खत्म हो जाएगा ताकि सारी फिर बात कर सके पांचवी बार में ये इंटरव्यू खत्म करने की कोशिश करना बात में से बातें निकल आती है बट इन सोन खुदाफिज